ऑलराइट, गप्टिल गेम चेंजर बन सकते हैं, लेकिन गप्टिल का क्लिक करना आज बहुत जरूरी है। लेकिन कैफ आज स्पिन जिताएगा क्या? जैम्पा वर्सेस सोदी, जो मेन बात वो बहुत लेट करती है। अरे यार, इतने सारे ये जो पन्ने भरे हैं आपने, इतने सारे पन्ने भरे हैं सारा जो आपने वो। मैं इंजीनियर हूँ, मैं बताती हूँ आपको, हम पहले पन्ने भरते हैं फिर एंड में रिजल्ट लिखते हैं। मेन काम बिल्कुल बाद में आया, ये डिसाइडिंग फैक्टर तो स्पिनर्स हैं। ये जैम्पा है, ये इस सोडी है, क्योंकि ये मैचअप्स में आते हैं और इस सोडी का मैं बहुत रोल देख रहा हूँ, क्योंकि इस सोडी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी करना पसंद भी करते हैं। तो अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके 150-60 बनाता है तो सैंटनर का बहुत रोल होगा, और आप देखेंगे कि ये सोडी और सैंटनर पावर प्ले भी गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि वो जो सख्त बॉल होता है हार्ड, जो ड्यू का फैक्टर आने से पहले आपने अपने मेन गेंदबाज को गेंदबाजी करा लो, इसीलिए विलियमसन इनको अच्छा हैंडल भी करते हैं। तो ये फैक्टर है। आप देखिए सामने, अगर आप विकेटों की बात करें तो उनके सिद्ध के सोल्डी के नाम 9 विकेटें हैं 6 मैच खेले। जैम्पा अच्छे फॉर्म में ज़्यादा, क्योंकि 12 विकेटें ले चुके हैं, औसत भी अच्छा, उनका इकोनॉमी भी अंडर 6 है जैम्पा का। तो जो आपने मेन बात करनी थी वो आप बहुत लेट लेके आते हैं जी। आप जरा देखो, थोड़ा ध्यान दो, ये जो फोकस है, दो चेहरे दिख रहे हैं आपके सामने, ये मेन चेहरे हैं, ये 20 के ओवर्स में गेम तय करेंगे, डिसाइड करेंगे कि भाई किस तरफ ये गेम अपना खेल रुक कर रहा है, कौन नो हावी होने जा रहा है। ये दोनों और विकेट टेकर हैं, ये अगर बीच में आते हैं तो विकेट मारना जानते हैं। और लेग स्पिनर का देखिए, जो एक और मैं अगर जो बच्चे अगर ये मेरा ये शो हम लोग का देख रहे हैं, तो लेग स्पिनर क्यों एक्स फैक्टर होता है? लेग स्पिनर क्या होता है कि आप बल्लेबाज ना एक क्लू ढूंढता है, क्लू मतलब अगर सीम पे बॉल आ रही है तो सीम देखता है कि बॉल स्विंग के अंदर आएगी बाहर जाएगी। लेग स्पिनर क्या होता है, ये वॉबल सीम आती है, वॉबल सिम का पता नहीं होता कि भाई ये गुगली है या बाहर जा रही है, तो वहाँ जो बड़े शॉट मारने के इंटेंट से बल्लेबाजी होती है, बल्लेबाज फंस जाता है। इसलिए जो लेग स्पिनर का जो एक दौर आया है कि T20 में आप जब मारने जाओगे तो आपको क्लू नहीं मिल रहा कि अरे लेग स्पिन कौन बाहर जाएगी अंदर आएगी, वो इसलिए जो दिक्कत आ रही है बल्लेबाज को अगेंस्ट लेग स्पिनर। हर टीम में आप देखिए लेग स्पिनर की एक पहल चल गई कि हर टीम लेग स्पिनर लेकर खेलता, चाहे IPL की बात कर लो, चाहे वर्ल्ड में आप किसी भी टीम की बात कर लो, और ICC की बात कर लो, जो टॉप 7-8 जो बॉलर्स हैं रैंकिंग में स्पिनर, वो लेग स्पिनर ही हैं। T20 की बात करें तो लेग स्पिनर का बहुत रोल है, इसीलिए क्योंकि वो बहुत चालाक हैं, वो अपना सीम दिखाते नहीं हैं, बल्लेबाज फंस जाते हैं। बिल्कुल, और बल्लेबाज फंसते हैं तो फिर न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो जा रहे हैं उतर पिच पर बैटिंग करने के लिए। आपके पास एक फैक्टर है मिचेल, जो कि चल गए थे सेमीफाइनल्स में, लेकिन ऑल्सो क्योंकि कॉनवे इंजर्ड है तो उनका नाम अब न्यूजीलैंड सीरीज ऑफ इंडिया, न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया जो है उसमें भी अनाउंस हो चुका है, वो कॉनवे की जगह खेलने वाले हैं। मिचेल का आज चलना कितना जरूरी है? 6 मैचों में 197 रन, 39 का एवरेज स्ट्राइक रेट, 140, बहुत बढ़िया फॉर्म में, बहुत आला फॉर्म में। स्ट्राइक रेट 140 का मतलब कि ये अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं, इनको छक्का मारना आता है, इनको गेम बनाना आता है। जो लास्ट मैच खेले, मैन ऑफ द मैच हुए, उस बैटिंग में एक पूरा पैकेज था कि पावर प्ले में कैसे खेलना होता है। बहुत लोग ना पावर प्ले अच्छा खेलते हैं, बस 20 के ओवर्स में जैम्पा या स्पिनर आए तो फंस गए, आउट हो गए, पर वहाँ नहीं फंसते। तो जो ओपनर बड़ा बनता है, ओपनर कैसे बनता है कि आप पावर प्ले में अच्छा खेलना आना चाहिए, 20 के ओवर्स में आप स्ट्राइक रोटेट करो, सिंगल डबल से गेम को आगे बढ़ाओ, इनिंग को आगे बढ़ाओ, और बाद में फिर डेथ ओवर आता है जहाँ छक्के चौके की दरकार होती है। ये ऐसे बल्लेबाज है जो कि ज़्यादा लंबा करियर नहीं है, अभी युवा करियर है, पर बहुत उन्होंने दर्शाया, दिखाया कि इनके पास काबिलियत है एक अच्छे मैच, अच्छे ओपनर बनने की और गेम फिनिश करने के लिए। बिल्कुल, तो कौन सा बॉलर इनको परेशान कर सकता है? नहीं, मैंने इनकी पहली इनिंग देखी थी अगेंस्ट इंडिया जी, अगेंस्ट इंडिया ही पहले मैच में स्कोर किया था, मैंने कहा ये कौन प्लेयर आ गया, इसको और प्रॉपरली वॉच करना है, क्योंकि ये जब जो तरह शॉट लगा रहे थे, बुमराह को खेला बहुत बढ़िया, तो आंख लग जाती कि यार ये प्लेयर कौन है, पहले बहुत कम देखा हमने, तो आप देखना चाहते हो। फिर एक मैच हुआ, दो मैच हुआ, फिर बड़े मैच में नॉट आउट चले गए, जिमी निशम के साथ पार्टनरशिप कर दी अमित शाह ने, तो ये दिख गया कि भाई इनके पास काबिलियत है, हर तरीके से सिचुएशन में खेल सकते हैं। इसीलिए मैं देखिए मैचअप की बात नहीं, ना इनको स्टार्क आउट कर पाएंगे, ना इनको आउट कर पाएंगे हेजलवुड, क्योंकि इनके पास एक कंप्लीट गेम है बतौर ओपनर का जो होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो दूसरी तरफ आपके पास वार्नर है, वार्नर को कौन परेशान कर सकता है न्यूजीलैंड की तरफ से? वार्नर को परेशान करेगा सऊदी, सऊदी का फॉर्म बहुत अच्छा जा रहा है, उनका जो नया बॉल से पावर प्ले में गेंदबाजी जो कर रहे हैं, जो लाइन लेन से गेंदबाजी करते हैं, बॉल पड़कर उनका अंदर भी आता है बाहर भी जाता है, और ऑफ कटर अच्छा मारते हैं, ऑफ कटर मारने के लिए वो चेंज ऑफ पेस में बड़ा उनको महारत हासिल है, और बोल्ड भी अच्छा ऑप्शन है, बोल्ड बॉल को स्विंग कराएंगे बाहर की तरफ,
पर ओवरऑल जिस तरह के फॉर्म में वार्नर है, ये एक विकेट 5 विकेट के बराबर है। एक विकेट वार्नर का आपने ले लिया, मतलब आपने 5 बल्लेबाज का आउट किया। ऐसे फॉर्म में वार्नर चल रहे हैं। सामने जो इनका स्टैट आप देख लीजिए, उनका बेस्ट है, लास्ट मैच में आया था सॉरी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज आया था 89 नाबाद, पर फॉर्म जो पकड़ा है स्ट्राइक रेट 150 के आसपास है। 150 का मतलब होता है कि ये फिर अगर खेलते हैं तो गेम को दरकिनार करके अपनी तरफ घुमा लेते हैं। जी बिल्कुल, और वार्नर का सही टाइम पे पीक करना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत काम कर गया। हमने पहले ही बात की कि ऑफकोर्स आईपीएल में इनका अच्छा फॉर्म नहीं रहा, कैप्टनसी भी यू नो इनसे ले ली गई हैदराबाद की, सनराइजर्स हैदराबाद की, लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया पीक की है ये देखना है कि ऑल द वे दी एंड तक पहुँचते हैं कि नहीं। लेकिन जैसे कि कैफ को आप अब जान गए होंगे, इनको ब्लॉकबस्टर मूवी में दी एंड पहले पसंद है, इनको इंट्रोडक्शन ही पसंद, विलेन का इंट्रोडक्शन ही पसंद, हीरो हीरोइन को बोले पहले दी एंड, पहले आप स्पिन की बात कीजिए। तो हम दी एंड तक पहुंच चुके, आप मुझे बताएं कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया या ब्लैक कैप्स? यार वो ये सवाल मैं पहले मैच से सुनता आ रहा हूँ, जब भी मैच होता टी20 का कौन जीतेगा। अभी मैं कहीं गया था, वहाँ भी कुछ बच्चों से मिल के आया, अभी फील्ड पे था ग्राउंड पे, सराज कौन जीतेगा? तो भाई जो अच्छा खेलेगा ऑन द डे वो जीतेगा। मतलब मैं क्रिकेटर हूँ पता है, पर मैं ज्योतिषी नहीं हूँ कौन जीतेगा। और दो ऐसी टीमें हैं कि ये बहुत अच्छा खेल के आ रही है, तो कहना और मुश्किल है, क्योंकि कौन जीतेगा बड़ा मुश्किल है। और ऑस्ट्रेलिया को ये लग रहा होगा भाई टॉस जीत गया तो 70% गेम हमारे हाथ में आ गया है, पर मुझे लगता है कि आज ऐसा नहीं होगा, आज ऐसा नहीं होगा, आज फाइनल में दबाव में ऑस्ट्रेलिया आएगी। तो आज आपने ब्लैक कैप्स को आप सपोर्ट करें, आप मेरी तरफ आ गए, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि ब्लैक कैप्स जो है बहुत मेहनत करके पहुंचे हैं यहाँ पर, और ये वाला जो वर्ल्ड कप है ये इनको खिताब मिलना चाहिए। लेकिन यू नेवर नो, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही अग्रेसिव टीम है, वहीं पर आपकी केन विलियमसन की कैप्टनसी बहुत कूल है, तो ये देखना है कि कौन जीतेगा, कौन बनेगा द चैंपियन ऑफ द ICC T20 वर्ल्ड कप। थैंक यू सो मच कैफ, आपसे तो हम बात करते ही रहेंगे, मिड इनिंग्स में पहुंचेंगे, फाइनल्स के बाद जो चैंपियन बनेंगे उसके बाद बात करेंगे। तो आप जुड़े रहें जी न्यूज़ पर, सबसे बड़ा मौका, मैच इंजॉय करें साथ ही साथ न्यूज़ भी देखते रहें। Presenting the news app, available on Google Play and App Store. Download it now.